महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल गर्मा रहा है। राज्य में बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी। हालांकि महाविकास आघाड़ी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की गई है। एमवीए में कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे में 2 सीट सांगली और रामटेक पर खींचतान जारी है। ऐसा देखा जा रहा है कि इन दोनों सीटों को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल गर्मा रहा है। राज्य में बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी। हालांकि महाविकास आघाड़ी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की गई है। एमवीए में कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे में 2 सीट सांगली और रामटेक पर खींचतान जारी है। ऐसा देखा जा रहा है कि इन दोनों सीटों को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है।